आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हमने पुराना दुपट्टा लिया है और पुरानी जीन्स ली है। इससे हम बेबी की बहुत ही प्यारी ड्रेस तैयार करेंगे। तो लेंथ के अकॉर्डिंग पहले जीन्स को कट कर लेंगे। ये नीचे के घेर है जो चौड़ाई की साइड है और ये ऊपर की बेल्ट है। अब इसमें नीचे फ्रिल के लिए हम ये दुपट्टा यूज करेंगे। जितनी हमें लेंथ इसमें एक्स्ट्रा रखनी है उतनी चौड़ाई में हम ये दुपट्टा कट करेंगे। ये हमारे दो पीस हैं क्योंकि जो दुपट्टा था उसके हमने दोनों साइड का बॉर्डर कट कर किया है। पहले हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे दुपट्टे को, और जो ये हमने पीस कट किए हैं एक साइड, इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इसको भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाकर अब ये जो हमारा नीचे घेर वाला पोर्शन है यहाँ पर हम ये फ्रिल तैयार करेंगे। जो ये कन्नी वाला पोर्शन है इसको हम नीचे रखेंगे, और यहाँ पर जितना भी हमारा ये दुपट्टे वाला फैब्रिक है यहाँ पर गैदर बना देंगे। पूरी गोलाई में इस तरह हमने ये नीचे के घेर अपने तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। ये हमने लेस ली है और इसको घेर को इस तरह नीचे करेंगे, नीचे की साइड, और इसके ऊपर ये लेस लगा देंगे तो इससे इसका गेटअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आपको ज़्यादा खूबसूरत लगाना है तो नीचे भी आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। पहले लेस लगा लेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये लेस अपनी सेट कर ली है और नीचे का घेरा है बहुत प्यारा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक हम पहले इसको इस तरह डबल कर लेंगे। तो हम इसमें पहले इलास्टिक सेट करेंगे। तो आज हम आपको कुछ अलग तरीके से इलास्टिक को लगाना बताएंगे। जैसे रेडीमेड लोअर वगैरह में आती है, तो इसमें हम इस इलास्टिक को यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे, ऐसे इसको खींचते रहेंगे और इसकी हम सिलाई करते रहेंगे। इसको इतना खींचेंगे कि ये पूरे इसमें आ जाए।
तरह हमने अपनी ये स्कर्ट तैयार कर ली है। यहाँ पर इलास्टिक भी हमारी बहुत अच्छी आई है और लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने ये दुपट्टा यूज़ किया है, अगर आपके पास साड़ी का फैब्रिक हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका गेटअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर हम बटन से लगा लेंगे। जैसे ये बटन है इनको हम इस तरह सेट कर लेंगे तो इसका गेटअप और भी प्यारा आएगा। इसमें से हम ऊपर का टॉप बनाएंगे। ये बैक पोर्शन है हमारा, ये फ्रंट। और अलग से हमने ये दूसरा कलर लिया है जीन्स का, तो जो हमने ये पट्टी कट की थी इतनी पट्टी हम इसमें से निकाल लेंगे। हम इस तरह बीच में सेट करेंगे। यहाँ पर हमने ये जॉइंट लगा लिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसके ऊपर इसको रखा और सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें नेक कट करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर नेक कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा दुपट्टे का फैब्रिक बचा है इसमें हम एक चौड़ी पट्टी लेंगे और उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। जैसे ये हमारी बचा हुआ फैब्रिक है तो हम ये इतना चौड़ा लेंगे। ये हमारा यहाँ पर 2.5 इंच है तो 2.5 इंच थोड़ा और बढ़ा लेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको डबल करके इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने ये एक पट्टी तैयार कर ली है, इसको सीधा कर लिया है सिलाई लगा कर। और हम इसके अब 2 पीस कर लेंगे दोनों साइड के लिए। और ये हमारा जो नेक है अब इसको तैयार कर लेंगे। तो पहले इसके ऊपर इस तरह एक फैब्रिक रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे इस तरह। यहाँ पर भी ये फ्रंट का नेक हमने तैयार कर लिया है और ये बैक का है हमारा। फैब्रिक को हम अंदर की साइड पूरा फोल्ड कर देंगे और नेक तैयार कर लेंगे। बैक नेक हमारा ये तैयार हो गया है। अब फ्रंट पोर्शन लेंगे और ये जो हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं इनको हमें यहाँ पर इस तरह सेट करना है और यहाँ पे ये छोटे छोटे गैदर बनाकर इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, जैसे हम अपनी फ्रिल सेट करते हैं। बस ये हमारा जो है जॉइंट यहाँ पर अंदर आ जाएगा इसके नीचे।
तो दोनों साइड हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर हमने बीच थोड़ा सा इस साइड छोड़कर तब सिलाई लगाई है, तो दोनों साइड से इसका लुक बहुत अच्छा आया है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ये जो फ्रिल है इसको हम बीच में रखेंगे और इस तरह शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे और आर्म होल को फोल्ड करेंगे और फिर नीचे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने ये अपना क्रॉप टॉप तैयार कर लिया है। आर्म होल फोल्ड किए हैं, नीचे से फोल्ड किया है और साइड में से इसको थोड़ा सा ओपन रखा है क्योंकि पहनाने में इसको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर एक हुक लगा लेंगे। ये पुरानी जीन्स और पुराने दुपट्टे से हमने बहुत ही प्यारी ड्रेस तैयार की है।